यूरोप कॉन्टिनेंट में हमारा ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट में ईयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है यूरोपियन यूनियन? अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात उसका नेचर समझते हैं। जो ये यूरोपियन यूनियन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर दोनों नेचर का एक ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड ऑन 1993, जिसकी स्थापना 1993 में की गई थी बाय मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी के द्वारा? मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी। मैस्ट्रिच्ट एक जगह है नीदरलैंड में, ठीक है। तो मैस्ट्रिच्ट ट्रीटी का संबंध किससे है? यूरोपियन यूनियन की स्थापना से। इस यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल मेंबर है 28 थे 1 जनवरी 2020 को, इससे यूके अलग हो गया, तो कुल 27 मेंबर इसमें बचे हुए हैं। हमें यह भी देखना है कि कौन से कंट्रीज इसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर है कौन से नहीं है। तो यहां पर मैंने एक लिस्ट दे दिया है, मैं इसको पढ़ देता हूं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल या पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। 27 देश, ठीक है। ज्यादातर इसमें ईस्टर्न यूरोप के देश हैं, कुछ वेस्टर्न यूरोप के भी स्लोवेनिया स्लोवाकिया जैसे हैं। तो एक बार मैप में आप देख लीजिएगा कि लगभग 48 देश यूरोप में है, जिसमें से 27 देश इसके मेंबर हैं। 21 कंट्रीज जो हैं यूरोप के हैं वो, लेकिन इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। यूरोजोन, यूरोजोन क्या कहलाता है? इन सारे देशों ने ये यूरोपियन यूनियन बनाया जो कि एक कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट का मतलब ये है कि इन सारे देशों में एक जैसी करेंसी चलेगी, इनकी मार्केट पॉलिसी एक जैसी होगी, ये एक फ्री ट्रेड एरिया होगा। इस प्रकार से बहुत सारे समझौते इनके बीच में किए जाते हैं, ठीक है। इसी समझौते के अंतर्गत इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया 1999 में कि हम सारे देशों की एक कॉमन करेंसी होगी, लेकिन कुछ इसी के कुछ देशों ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हमारी तो अपनी करेंसी रहेगी, ठीक है। तो यूरोजोन का मतलब यह है कि इस 27 देशों में से कुछ देश जिन्होंने स्वीकार किया कि हमारी कॉमन करेंसी होगी, उन सारे देशों को मिलाकर के यूरोजोन कहते हैं, क्योंकि उनकी कॉमन करेंसी का नाम है यूरो। तो यूरोजोन एरिया क्या है? यूरोपियन यूनियन के वे देश जिन्होंने कॉमन करेंसी यूरो को अपने देश की करेंसी मान ली है, ठीक है। तो ऐसे 19 देश हैं। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी कॉमन करेंसी यूरो है, मैंने ऊपर के लिस्ट में अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो यूरोजोन में 19 कंट्रीज आते हैं अंडरलाइन अबव। तो कौन कौन से 19 कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं जहां जहां अंडरलाइन है, उनकी करेंसी अपनी कोई इंडिपेंडेंट करेंसी नहीं है, उनकी एक कॉमन करेंसी है यूरो, ठीक है, जिसको इशू करने वाली एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक। तो ये देश आप देख लीजिएगा, जैसे अंडरलाइन मैंने किया ऑस्ट्रिया में, बेल्जियम में, फिर उसके बाद साइप्रस में, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोर्चुगल, स्लोवाकिया, स्लोवानिया और स्पेन। इतने कंट्रीज ने कॉमन करेंसी यूरो को एक्सेप्ट किया है और वो यूरो जोन के पार्ट में आते हैं, ठीक है। तो यूरो जोन को 1999 में अडॉप्ट किया गया, हालांकि इसकी स्थापना 1993 में हो गई थी। सेंजेन ट्रीटी, सेंजेन ट्रीटी यूरोप के कुछ देशों ने एक ट्रीटी किया था, सेंजेन ट्रीटी, ठीक है। इस ट्रीटी में यह कहा गया था कि इस ट्रीटी को यूरोप के जो जो देश साइन कर देंगे उनके नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में आने के लिए कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होगी, अर्थात उन कंट्रीज के बीच में ओपन बाउंड्री माना जाएगा। बाद में जब यूरोपियन यूनियन बना तो इसने भी इस सेंजेन ट्रीटी को अपना लिया, ठीक है, 1995 में, ठीक है। तो सेंजेन, अब जितने देश सेंजेन ट्रीटी पर साइन किए, वर्तमान में इनकी संख्या 26 है, उनको, उन सारे देश के एरिया को मिलाकर के कहा जाता है सेंजेन एरिया।
तो सेंजिन एरिया क्या है? एक ऐसा एरिया जो यूरोप में है जिसमें एक देश से दूसरे देश में जाने वाले नागरिकों को पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बॉर्डर फ्री एरिया है, 26 देश है इसमें यूरोप के, ठीक है। 1995 से इसको यूरोपियन यूनियन ने अपना लिया। तो कौन कौन से कंट्रीज इसमें 26 देश जो है वो कौन कौन से हैं? तो 22 देश यूरोपियन यूनियन के हैं और 4 देश यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में 4 देश यूरोप के आते हैं, कौन कौन से आते हैं उसमें? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिचस्टीन, ये EFTA के मेंबर हैं, यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं। 4 कंट्रीज ये और 22 कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन ऊपर वाले हैं उनके 4 तो उनके 22 तो मिलाकर क्या होगा? 26। अब फिर प्रश्न उठता है कि इसमें तो टोटल 27 है, यहां 22 है, तो ऐसे कौन 5 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के जो सेंजन एरिया में नहीं आते? तो यहां पर हमने उसका लिस्ट कर दिया है। EU कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ सेंजन एरिया, हमारे यूरोपियन यूनियन के वे देश जो सेंजन एरिया के पार्ट नहीं है उसमें 5 देश हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, रोमानिया और आयरलैंड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 22 देश यहां से और 4 देश ये आ गए आपके EFTA से, तो हो गए टोटल 26 एरिया। फिर एक और ट्रीटी है जिसका संबंध यूरोपियन यूनियन से है, वो लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन ट्रीटी 2009 में साइन की गई थी जिसका उद्देश्य यूरोपियन यूनियन में सुधार लाना था, ठीक है। उसका जो हेड होता है उसका चुनाव करवाना, उसका कुछ टेन्योर बढ़ाना, तो ऐसे कुछ उसमें सुधार करना। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि लिस्बन ट्रीटी 2009 का संबंध किससे है? यूरोपियन यूनियन में सुधार करने से है। कंट्रीज नॉट पार्ट ऑफ EU बट हैव फॉर्मल एग्रीमेंट टू यूज यूरो एज देयर करेंसी। कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन उन्होंने यूरो को अपनी करेंसी माना है और इसके लिए उन्होंने EU के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया है। ऐसे देशों की संख्या 4। पहला देश है अंडोरा, ये छोटे छोटे यूरोप के देश है, अंडोरा, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी और मोनेको, ये 4 देश ऐसे हैं, अपनी करेंसी प्रिंट नहीं करते, ठीक है, ये यूरो को ही अपनी करेंसी मानते हैं, लेकिन ना तो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ना ये यूरो जोन का पार्ट है, ठीक है। यूनिलैटरली एक्सेप्टेड यूरो, कुछ देश ऐसे हैं जो यूरो को ही अपनी करेंसी मानते हैं और उन्होंने ना तो एग्रीमेंट किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, ना उनका किसी प्रकार से कोई लेना देना यूरोपियन यूनियन से नहीं है, लेकिन उन्होंने यूनिलैटरली ये अनाउंस किया है कि हमारी भी करेंसी यूरो है तो उनको भी हम यूरो जोन में काउंट नहीं करेंगे। ऐसे कौन से 2 देश हैं जिन्होंने यूनिलैटरली ये अनाउंस किया है? कोसोवो और मोंटीनीग्रो, ये 2 देश। यूरो का सिंबल होता है ई और बीच में डंडा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से सिंबल है। इसको इशू करने वाला जो एक सेंट्रल अथॉरिटी उसका नाम है सेंट्रल यूरोपियन बैंक, ठीक है। इस बैंक में उन सारे कंट्रीज के मेंबर्स होते हैं जो यूरो करेंसी को अपना मानते हैं। लास्ट मेंबर्स टू ज्वाइन EU, EU को सबसे आखिरी में ज्वाइन करने वाला देश क्रोएशिया 2013 में, और फर्स्ट कंट्री टू क्विट EU, ऐसा एक देश जो EU का मेंबर रहा लेकिन उसने EU को छोड़ दिया, ऐसा एक ही देश है और वो है UK, जिसने 1 जनवरी 2020 से वो EU से बाहर हो चुका है और इस घटना को कहा गया है ब्रेक्जिट। तो ब्रेक्जिट घटना का संबंध किससे है? UK का यूरोपियन यूनियन से अलग होने का एक आंदोलन चलाया गया था जिसको ब्रेक्जिट नाम दिया गया, ठीक है। चलिए अब इकोनॉमी ऑफ EU की टोटल इकोनॉमी, यानी इन सारे 27 देशों की इकोनॉमी कितनी है? 16 ट्रिलियन, और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाएगी अगर इनकी कंबाइंड इकोनॉमी देखें तो अमेरिका के बाद। अमेरिका की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन, दूसरे नंबर पे EU अगर हम एक एंटिटी गिने उसको तो 16 ट्रिलियन। तो ये EU के बारे में तमाम जानकारी हो गई। अब देखते हैं अगला एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CIS, ठीक है। CIS पहले एक देश हुआ करता था USSR, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, जिसको सोवियत संघ भी हम लोग या सोवियत यूनियन भी हम लोग कहते थे, ठीक है। उसमें 10-11 देश थे जिसका लीडर रसिया था। 1991 में उस USSR का विघटन हो गया और सारे देश अलग अलग हो गए, ठीक है। तो बाद में रसिया ने कहा कि भाई जो हमारे USSR के अंग थे उन सबको मिला के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उसका नाम CIS रखा गया, ठीक है। तो 1991 में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर मिन्स्क में है, बेलारूस में एक जगह मिन्स्क, और इसमें टोटल मेंबर वर्तमान में है 9। कौन कौन से मेंबर हैं हम लोग एक नाम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें केवल यूरोप के मेंबर नहीं है, कुछ यूरोप और कुछ एशिया के देश भी हैं। तो यूरोप के कुछ देश हैं अर्मेनिया, अजरबैजान एशिया का है, बेलारूस, कजाकिस्तान एशिया का है, किर्गिस्तान एशिया का है, मोल्डोवा, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इसमें यूरोप के कुछ देश
चार देश यूरोप के, पांच देश एशिया के, मिलाकर के ये नौ देशों का एक संगठन आज भी काम करता है। एसोसिएटेड मेंबर मतलब एक जो कंप्लीटली मेंबर नहीं है लेकिन उसकी मीटिंग वगैरह में टेक पार्ट करता है, एसोसिएटेड मेंबर तुर्कमेनिस्तान। इसी प्रकार दो ऑब्जर्वर कंट्रीज है इसके, अफगानिस्तान और मंगोलिया, और दो फॉर्मर मेंबर, फॉर्मर माने जो पहले दो मेंबर थे बाद में उन्होंने छोड़ दिया। दो ऐसे मेंबर थे जॉर्जिया जो 2008 में छोड़ दिया, और यूक्रेन जिसने 2018 में इस संस्था को छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के वर्तमान में नौ मेंबर है, एक एसोसिएटेड मेंबर है और दो ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, अगला कंट्री, अगला हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बेनेलक्स, BENELUX। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके तीन मेंबर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के नाम में ही है, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, तीनों का शॉर्ट नेम मिलाकर के बेनेलक्स। ठीक है, ऑल्सो नोन एज लोअर यूरोपियन कंट्रीज, इन तीनों कंट्रीज को लोअर यूरोपियन कंट्रीज, निचले यूरोपीय देश भी इनको कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर पेरिस में है, टोटल 37 मेंबर्स हैं, और इसके सारे के सारे मेंबर्स जो है डेवलप्ड कंट्रीज के, कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें केवल यूरोप के नहीं लेकिन सबसे ज्यादा देश उसमें यूरोप के हैं, बाकी एशिया से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी से भी इसमें मेंबर्स हैं। हम लोग एक झलक देख लेते हैं कि एशिया से इसमें कौन कौन मेंबर है। एशिया से इसमें टर्की, साउथ कोरिया, जापान और इसराइल, यानी चार कंट्री एशिया से है। ओशनिया में दो देश है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों इसमें शामिल है। साउथ अमेरिका में से दो देश है, चिले, कोलंबिया, नॉर्थ अमेरिका से यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, तो ये लगभग मिला के 10-11 देश हो जाते हैं, और बाकी यूरोप के सारे देश, लगभग सारे देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं, वो सब के सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो OECD में सबसे ज्यादा मेंबर जो है यूरोप कंट्रीज के, यूरोप कॉन्टिनेंट के। ये OECD द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। ठीक, तो आपको ध्यान रखना। अगला आता वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट 1955 में बना था, 1991 में खत्म हो गया। वारसा पैक्ट को करने वाले जो देश थे वो सबके सब समाजवादी देश थे, सोशलिस्टिक कंट्री थे, जिसमें लीडर था रसिया, फिर यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया। ठीक है, ऐसे कई देश मिलकर के इसको किए थे। ये एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है, ठीक है, अमंग सोशलिस्ट कंट्रीज टू काउंटर नाटो ड्यूरिंग कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध के दौर में। शीत युद्ध का दौर 1945 से 1991 तक चला। ठीक है, तो इस शीत युद्ध के दौर में दुनिया में दो पावरफुल सेंटर्स बन गए थे, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रशिया था। अमेरिका अपने साथ दुनिया भर के देशों को मिलाया और उसने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाटो, जो कि एक कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, माने अगर नाटो के एक देश पर हमला होता है तो सारे देश पर माना जाता है। इसी नाटो को काउंटर करने के लिए रूस ने भी वारसा पैक्ट शुरू किया था 1955 में, जिसमें ये यूक्रेन, बेलारूस, रोमानिया और अजरबैजान, अर्मीनिया, रूस, ये सारे देश शामिल थे। ठीक है, 1991 में खत्म हो गया, अब समाप्त हो चुका है। अगला हम देखते हैं आर्कटिक काउंसिल, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर त्रोमसा नॉर्वे में एक जगह है, वहां पर है। इसके आठ मेंबर है। ठीक है, ये सारे आठ मेंबर जो आर्कटिक ओशन से लगते हुए इनकी बॉर्डर है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन और यूएसए। और इसके ऑब्जर्वर कंट्री है 13, जिसमें इंडिया भी शामिल है 2013 से। ठीक है, तो ये तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका संबंध यूरोप से है, हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ये जानकारियां आप करते जाइएगा, ये आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करेंगे, ज्योग्राफी में तो हेल्प करेंगे ही। ठीक है, और ये तमाम चीजें थोड़ा मैपिंग के साथ आप करते रहिए। इसी के साथ हमारा यूरोपियन कॉन्टिनेंट खत्म होता है, अब हम लोग इसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे। थैंक यू। यूरोप से ही जुड़े हुए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूं, इसके बारे में आप लोग कहीं से भी सर्च करके लिख लीजिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक संगठन है यूरोपियन एसोसिएशन फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स, शॉर्ट में इसको CERN कहते हैं, फ्रेंच भाषा में दरअसल। ठीक है, तो CERN, इसके बारे में आप खोज बीन करके लिख लीजिएगा। भारत भी इसका मेंबर बन चुका है। काउंसिल ऑफ यूरोप, दूसरा इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तीसरा नॉर्डिक काउंसिल और चौथा नॉर्थ सी कमीशन,
ये चार और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका संबंध यूरोपीय देशों से है, इनके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। इसी के साथ यूरोप के बारे में लगभग हमने हर एक आस्पेक्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी इसी तरीके से डिटेल से देखेंगे। थैंक यू।